जिसमें उन्होंने फिल्म डर को लेकर कुछ बातें कही है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि डर में शाहरुख खान वाला रोल आमिर खान को ऑफर किया गया था। आमिर इस रोल को लेकर बेहद उत्साहित थे, लेकिन अचानक उन्हें बिना बताए हटा दिया गया और उनकी जगह शाहरुख ने ले ली। आमिर ने कहा कि मैंने डर नहीं छोड़ी, बल्कि मुझे फिल्म से हटा दिया गया। मुझे फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सनी देओल के साथ सुनना चाहिए थी। शुरू में फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा इसके लिए राजी हो गए, लेकिन बाद में उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उनका इरादा बदल गया। जब मैंने उन्हें फोन लगाकर इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आमिर फिर कभी साथ काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। आमिर ने इसके बाद कहा कि मैं यश चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं करूंगा क्योंकि हमारे काम करने का स्टाइल अलग है। आमिर ने सनी के साथ स्क्रिप्ट सुनने की जिद इसीलिए की थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसका रोल छोटा कर दिया गया है।